एक मिनट, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। मुझे पता है कि आप ये थंबनेल देखकर इस वीडियो के अंदर आए हैं और आप जो है उस गीत को सुनना चाहते हैं, जो गीत में सुनते ही हम आत्मा में भर जाते हैं। प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 2 मिनट चाहूंगा आप लोगों का, इस वीडियो का पूरा एक बार देखिए और आप जो समझ रहे हैं उसका सही अर्थ इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल सर्वेंट ऑफ गॉड में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रिय, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इस चैनल में हम आरंभ से ही गीत को अपलोड करते हुए आ रहे थे और गीत के द्वारा जो हम लोगों के बीच में प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए हम कोशिश हमने किया था। सो आज मैं इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, तो बने रहेगा पूरा इस वीडियो में। सो मसीह मेरे प्रिय, जैसे कि आपने इस थंबनेल को देखा होगा और इस थंबनेल को देख के आपको भी ऐसा लगा होगा कि कौन सा ऐसा गीत है जिसको हम सुन के आत्मा में भर जाते हैं। आप लोगों ने भी ये जरूर से सोचा होगा और ये सोच के कि हमें भी आत्मा में भरना है, आप जो थंबनेल को क्लिक करके इस वीडियो में आपने भी आया होगा। तो मसीह मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बता दूं कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, क्रिश्चियन यूट्यूबर हैं, जो इस तरह का थंबनेल बना के वो लोगों को दिखाते हैं और लोग जो है उस गीत को उस जो वीडियो पे जाते हैं और वीडियो पे जाने के बाद वो बहुत ही इमोशनल सॉन्ग होता होगा, शायद उसमें धुन, उसमें का म्यूजिक बहुत इमोशनल होता होगा और जो उसको गीत को सुन के जो है वो बहुत ही भावुक हो जाते होंगे। सो मसीह मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से क्लियरली ये कह देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे गीत नहीं है जो गीत को सुनने के द्वारा हम आत्मा में भर जाते हैं। देखिए, दरअसल होता क्या है, जब हम गीत सुनते हैं तो उस गीत का जो म्यूजिक है, उसका जो धुन है, उस धुन जो है हमें भावुक बना देती है। म्यूजिक में बहुत शक्ति होता है, बहुत पावर होता है, क्योंकि जब हम धुन म्यूजिक सुनते हैं, आप लोगों ने एक बात गौर किया होगा कि जब आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो उस फिल्म को देखने के साथ साथ आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो फिल्म जो है आपको भावुक बना देता है। कोई कोई ऐसे म्यूजिक, उस जो जो घटना हो रहा है उस घटना के साथ अगर म्यूजिक ना हो तो उसमें कुछ जान नहीं होता है, लेकिन उस घटना के साथ जब म्यूजिक होता है, एकदम इमोशनल म्यूजिक, इंसान को पूरा रोने पे विवश कर देता है, इस तरह का म्यूजिक जब बजता है तो उसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति जो है उसी जो इमोशन में वो ढलने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। ठीक इसी तरह मसीह गीत भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें म्यूजिक बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है और म्यूजिक के कारण जो है इंसान भावुक हो जाता है, वो आत्मा में डूबता है। दरअसल वो आत्मा में डूबता नहीं है, लेकिन वो इमोशनली जो है खुद को वैसे बनाता है। कोई गीत सुनने के द्वारा हम आत्मा में नहीं भरते हैं, लेकिन हम आत्मा में तब भरते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को हम चलने के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि आत्मा का जो उपस्थिति किसके जीवन में होगा, प्रभु से कहते हैं कि जो मेरे वचन को सुनते और पालन करते वही मेरे चेले हैं। ठीक है, और प्रभु के चेले या फिर प्रभु के जो सेवक है उन्हीं पर आत्मा आ ठहरती है, क्योंकि पेंतिकोस के दिन में जब हम देखते हैं तो पवित्र आत्मा किस पर आ ठहरती है, उन्हीं 120 लोगों के ऊपर में जो निरंतर प्रार्थना में लगे थे, जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए खुद को समर्पित किए हुए थे, उनके ऊपर आत्मा आकर ठहरती है। सो हमारे को अगर हमको अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होना है तो हमें परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। मसीह मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जब प्रेरितों काम की पुस्तक पढ़ते हैं तो जितनों ने वचन सुना हर सुनने वाले पर पवित्र आत्मा आ ठहरी। तो पवित्र आत्मा किन पर आती है, जो वचन को सुनते हैं और वचन को ग्रहण करते हैं उन पर पवित्र आत्मा आ ठहरती है। सो मसीह मेरे प्रियो, गाना सुनने के द्वारा हम पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गाना मत सुनिए, आप सुनिए, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप गीत सुनने के द्वारा जो आप आत्मा में भर जाते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद से मेरे बात बुरा लग रहा होगा और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हम तो गीत सुनते हैं और आत्मा भर जाते हैं। दरअसल वो गीत सुन के आप आत्मा में नहीं भरते मेरे प्रियो, लेकिन वो गीत का जो धुन है आपको अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण आपको लगता है कि हम जो है बहुत आत्मा में भर रहे हैं। जरा उन गीतों को अगर उनके जो धुन है उस धुन में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया जाए या फिर उसमें जो म्यूजिक है उस म्यूजिक को थोड़ा सा हटा दिया जाए, तो क्या फिर भी आप उसी इमोशन में बने रहेंगे? ये आपको एक बार जांच करने की आवश्यकता जरूर से है।
वैसे मेरे प्रियो कई बार जो है गीत जिसको हम एकदम इमोशनली गाते हैं या फिर इमोशनली उस गीत को सुनते हैं एयरफोन लगाकर हेडफोन लगाकर हम गीत को जब सुनते हैं, दरअसल उस गीत में भी बहुत सारे ऐसे जो शब्द के साथ छेड़खानी किया गया होता है जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होता है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ होता है, लेकिन फिर भी वो गीत में बहुत मधुरता, उस गीत के धुन में बहुत ज्यादा पावरफुल होने के कारण वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होने वाला शब्द भी हमको बहुत अच्छा लगता है। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसे ऐसे गीत जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उसका शब्द परमेश्वर के वचन के साथ छेड़खानी किया गया उसके शब्दों को, क्या वो गीत हमको आत्मा में भरने के लिए मदद कर सकता है? जी बिल्कुल नहीं। बस ही मेरे प्रियो, इसीलिए ऐसे शिक्षाओं से बच के रहिए, ऐसे बातों से बच के रहिए और परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दीजिए। जी हाँ, सो आप यदि परमेश्वर की आत्मा में भरना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों के साथ बने रहिए। उसका वायदा है, उसका प्रॉमिस है, प्रभु आपको और मुझे, उसने अपने वायदा के अनुसार पवित्र आत्मा को इस धरती में स्थायी रूप से भेजा और वो आपके और मेरे अंदर वो सदा सर्वदा बसा रहता है। सो परमेश्वर के वचन में आप सब बने रहिए। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ या फिर मैं बताना चाहता था वो चीजों को आप अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो मसीह मेरे प्रियो, आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट में जाकर अपनी राय जरूर से रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।